राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों नए रूटीन ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और वो मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग है दोस्तों, सुबह से लेके दोपहर तक का है। तो बस अभी उठ के आई हूँ और यहाँ पर आके मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। सुबह आके एकदम से मतलब काम नहीं होता ना, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ लो या फिर टहल लो तो बस थोड़ी सी एनर्जी आ जाती, फिर घर के काम में लगो तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं जल्दी से। तो बस अभी वही है कि थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, उसके बाद मैं फिर काम शुरू करती हूँ। तो वैसे तो मैं जो है जल्दी उठ जाती थी, लेकिन तो अभी है ना कुछ दिनों से बच्चों ने अलार्म बंद कर दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। नींद तो ऐसी अगर एक बार लग जाए ना तो फिर जल्दी से खुलती नहीं है, अगर खुल गई ना तो फिर मन करता है कि बस थोड़ी देर के लिए और लेट ही रहो। बस ये अगर आलस कर जाओ ना तो फिर तो बहुत लेट हो ही जाते हैं काम करने में भी। तो इसीलिए आज भी देखिए ऐसा ही हुआ है। तो मेरे जो नीलेश की परीक्षा हो चुकी है तो बस उसीलिए उसने बंद कर दिया है। अब क्या बोलता है, मम्मी आप सुबह सुबह मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, ये अलार्म बंद कर लो। तो बस उसी ने बंद कर दिया, इसीलिए मैं उठी हूँ 6:30 बजे। तो उठ के आई फटाफट से, अब हम अपने घर के जो काम है वो करती हूँ। तो बेटी के अभी स्कूल लग रहे हैं तो उसके लिए अभी जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है, टिफिन विफिन बनाना पड़ता है। इसीलिए जल्दी उठ के मतलब 6:30 बजे उठ के आई हूँ। और अब थोड़ी सी देरी हो गई है तो अब मैं जो है जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो है यहाँ पर किचन विचन साफ किया, उसके बाद में मैंने जो है रात को भिंडी काट के रख दी थी। मैंने इसलिए काट दी थी, मैंने कहा अगर बाई चांस कभी लेट हो गए हैं तो फिर जल्दी से उठ के भिंडी छोंक दो और फटाफट से 2 पराठे बना दो, तो बच्चों को जो है लेट नहीं होगा बेटी को। तो इसलिए मैंने ना शाम को कुछ काम कर लेती हूँ, जैसे कि भिंडी वगैरह है। और किचन तो आप देख ही रहे कि शाम को साफ कर दे, लेकिन फिर भी जो है सुबह एक जो है गीला कपड़ा से अच्छे से साफ करके उसके बाद में ही मैं जो है खाना पीना फिर शुरू करती हूँ, है ना। तो कुछ दिनों से क्या बहुत दिनों से मैं कर रही, तो अभी आदत भी ऐसी हो गई, जब तक किचन दोबारा साफ ना कर लो सुबह तब तक जो मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है गंदी होगी, है ना, एक मन में ऐसा लगा रहता है। तो बस इसीलिए मैंने ना सारी किचन अच्छे से गीले कपड़े साफ करके उसके बाद मैंने से यहाँ पर सब्जी छौंक दी भिंडी की। और अब हम जो है जल्दी जल्दी लगा लेते थोड़ा सा आटा, तो और भी काम है वो भी जल्दी जल्दी करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी पहले उसके लिए टिफ़िन बना दूँ, उसके लिए मैं फिर बाद में जो काम है वो बाद में करती रहूँगी। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी आके, अब देखिए मतलब जल्दी तो नहीं थी लेकिन 6:30 बज रहे थे, तो अभी देख रहे होंगे जो है खिड़की में उतना उजाला नहीं हुआ जितना अभी होना चाहिए, जैसे कि सुबह के 6:30 7 बज जाते उतना नहीं हुआ था, तो अभी इतना उजाला हुआ था। तो बस मैंने यहाँ पर है ना सब्जी छौंक के मैं गई थी ब्रश करने, और वहाँ से ब्रश करके आई तो सोचा अब जल्दी से लगा लेती हूँ आटा। तो जल्दी से मैं फटाफट से 2-3 पराठे बना देती हूँ, तो उसको जो है जल्दी से स्कूल भेज दूँ कहीं लेट ना हो जाए। उसको भी मैंने उठा दिया था बीच में, मैंने कहा उठ जाओ, तो 6:30 बजे उसको भी उठा दिया था। उसके बाद में मैंने बोला कि तैयार हो जाओ, तब तक मैं लंच वंच तैयार कर देती हूँ। तो बस अभी मैं जो है यही काम कर रही हूँ, तो सुबह के सारे काम इसी तरीके से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं अपना सारा काम कर लूँ जो भी खाने का है वो। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही है ब्लॉग मेरा, तो पूरा देखना दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ पराठे, कहीं देर ना हो जाए इसीलिए। तो बस अभी मैं मामा बेटी उठी हूँ दोनों, तो उसके लिए जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। और बाकी के लोग अभी सब सो रहे हैं, तो जब तक वो भी उठेंगे तब तक मैं भी जो अपना सारा काम कर लूँगी, घर का भी कर लूँगी, नहा धो करके फिर आती हूँ। तो जब तक वो सब उठेंगे उसके बाद में फिर से दोस्तों खाना बनाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ लंच बनाया है उसके लिए, तो दोबारा से फिर से खाना बनाना पड़ता है इसीलिए। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, और
फिर बाद में लगा देती हूँ मैं मशीन, कपड़े धुलते रहेंगे और मेरा सारा काम भी होता रहेगा धीरे धीरे। तो बस इसीलिए मैं सारे काम, अब तो मशीन आ गई ना, थोड़ा सा काम मेरा कम हो गया है, कपड़े धोने का काम हो गया है बस, बाकी तो अभी ज़्यादा कम नहीं हुआ है, कपड़े धोने का थोड़ा हो गया है। तो बस, तो अभी देखिए आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और इस कमरे की मैं बात कर रही थी, मैंने यहाँ पर है ना कमरा ये साफ़ करके और यहाँ पर मैंने मशीन रख दी। तो मुझे इस कमरे में मशीन रखनी पड़ी, बाहर मैं रख नहीं सकती, बाहर बहुत ही बड़े बड़े चूहे थे तो मशीन मेरी तो ख़राब कर देते, काट देते, तो इसीलिए मैंने फिर जो इस कमरे में रखी है मशीन को। तो बाथरूम भी इतनी बड़ी नहीं है जो कि मैं जो बाथरूम में रखी, और ये मशीन वगैरह तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर वक्त इनको जो पानी पानी चाहिए रहता है, जैसे कि कपड़े धोते हैं उनको डालते निकालते तो पानी में ये मतलब पानी चाहिए होता ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैंने ना यहाँ पर रख लिया। तो कमरे में भी यहाँ रखने से बस ये है कि थोड़ा बहुत सफाई करनी पड़ती है इस कमरे की बार बार, जैसे कपड़े निकालते हैं डालते हैं इसमें तो पानी तो गिरता है, इधर उधर छींटे भी होते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर रख लिया। मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ रखने से बस इतना है कि पानी का थोड़ा सा आराम है और उसकी मशीन भी हमारी अच्छी रहेगी, इसीलिए मैंने इस कमरे में रख दी है। तो बाहर मैं नहीं रख सकती, बाहर तो जो है मेरी जो मशीन दो दिन नहीं चलने देंगे चूहे, तो इसीलिए मैंने है ना बाहर नहीं रखी, अंदर ही रख दी है। बस ये है कि थोड़ा बहुत तो थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो खैर वैसे भी करते थे और थोड़ा बहुत और मेहनत हो गई, बस वही है कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं देखिए नहा करके आ गई हूँ, मशीन लगा दी थी कपड़े और मैं फिर जो है नहाने के लिए गए, उसके बाद भी मैंने पूजा वूजा कर ली और यहाँ पर है ना मेरे गोपाल जी के सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं, तो बस यहाँ पर मैंने सूखने के लिए डाल दी। फिर से जो है मैंने जो है सारा काम कर लिया था, खाना पीना भी दोबारा का वो भी बना लिया था, उसके बाद में फिर से मैंने सोचा, वैसे जो है बीच में बंद कर दी थी मैंने इसको, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलिए अभी मैं कपड़े जो है निचोड़ के डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो अब तो खैर इतनी टेंशन नहीं है, आराम से सारे कपड़े मेरे सूख जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी बन गई है चाय, तो चाय मैं जो है मेरे पड़ोसी के लिए बना रही, क्योंकि वो आ गए थे कुछ दिनों के लिए, अभी गांव गए हुए थे तो आज ही आए, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी चाय दे देते हैं, तो पड़ोसी हैं थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब मैं भी गांव जाती हूँ ना, मैं वापस आती हूँ तो मेरे लिए चाय वगैरह करते हैं, तो मैंने सोचा मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी उनको जो है चाय वाय दे देती हूँ, और तो कुछ उनकी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन बस इतना आगे थोड़े चाय तो दे ही सकती। आने के बाद वो मतलब वो आए, उसके बाद में फिर वो घर की साफ सफाई में लग गए, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी चाय वाय दे देती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बना दी 3-4 कप चाय, बस उनको पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कराए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।